वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 फरवरी 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के रिकैप ऑफ द डे से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, भारत की यात्रा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं? सही उत्तर है छठे क्रम के। दूसरा क्वेश्चन, भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनते हुए किस देश ने चीन को पीछे छोड़ा? सही उत्तर है अमेरिका ने। तीसरा क्वेश्चन, यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए किस राज्य के स्कूलों में जल्दी विशेष पॉक्सो सेल होंगे? सही उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन, IRCTC द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी ट्रेन कौन सी है? सही उत्तर है काशी महाकाल एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, किसने फरवरी 2020 में मुंबई में फ्यूचर डिकोडेड नामक एक मुख्य भाषण दिया? सही उत्तर है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में B2B स्टार्टअप के उद्देश्य से 100x100x100 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। सातवां क्वेश्चन, कौन सा स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? सही उत्तर है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। यहीं पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर नीति कुमार को। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर है, क्वेश्चन था, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है CSIR। आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज पहला प्रश्न है, मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हैप्पीनेस क्लास। ये आप देख सकते हैं मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के सरकारी स्कूल में है, हैप्पीनेस क्लास का आयोजन हो रहा है वहाँ पर। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शुरू की गई हैप्पीनेस क्लास का जायजा लेने अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। और जो सरकारी स्कूल का दौरा किया वो है नानकपुरा, जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है। वहाँ वो गई और उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले करिकुलम को समझा। गौरतलब है कि हैप्पीनेस क्लास के तहत नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को रोज़ाना पहला पीरियड यानी कि 40 मिनट में उनकी हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली सरकार की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राम निवास गोयल, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये, आप देख सकते हैं राम निवास गोयल। इनको हाल ही में दिल्ली विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राम निवास गोयल को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्हें दूसरी बार यह पदभार प्राप्त हुआ है, यानी कि इससे पहले भी वही थे। इसके अतिरिक्त रामवीर सिंह विधूड़ी को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, उनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। तो भारत जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी चंडीगढ़ में करेगा। इसमें जीते गए पदकों को रैंकिंग के लिए बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इन स्पर्धाओं में जीते गए पदकों को राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के एक सप्ताह बाद अंतिम तालिका में जोड़ा जाएगा। इसका आयोजन जनवरी 2022 में होगा, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक होगा। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि BBS और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे MICS में पाया गया कि बांग्लादेश में बाल कुपोषण दर में पिछले 6 वर्षों में तेजी से गिरावट आई है। इस सर्वेक्षण में स्वास्थ्य और पोषण, बाल संरक्षण, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में भी सुधार दर्ज किया गया है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट जनवरी 2019 से जून 2019 के बीच एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी की गई। अब बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी जो स्थापना थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, ठीक है। पूर्व में से
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ। इसे पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसको बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया था। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम वही है जो कि पहले था, यानी कि यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन, किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ये आप देख सकते हैं नेशनल वार मेमोरियल को, यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह स्मारक यानी कि नेशनल वार मेमोरियल उन शहीदों की स्मृतियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसकी पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस स्मारक परिसर में इस समारोह का आयोजन किया गया और नेशनल वार मेमोरियल का जो निर्माण है वो 44 एकड़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अभय कुमार सिंह को। अभय कुमार सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। NHPC द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2022 को होगी। बिरतीश कुमार का स्थान लेंगे चूंकि कंपनी में निदेशक परियोजना के अलावा चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने इस्तीफा दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने राजनीतिक गतिरोध को चलते अपना इस्तीफा दे दिया है। वह अंतरिम PM बने रहेंगे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक दल वीर सातु के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुपर 30। तो मुंबई में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार कार्यक्रम 2020 की घोषणा हुई। इसे अभिनेता रवि दुबे ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया गया था। इस अवसर पर ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया, वहीं ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का भी खिताब दिया गया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि गणतज्ञ आनंद कुमार के जीवन में घटी प्रमुख घटनाओं को मनाकर सुपर 30 फिल्म बनाई गई। इसका निर्देशन विकास बहल ने किया, जो कि सुपर 30 फिल्म है वो आनंद कुमार के संघर्ष और जीत को दर्शाती है। आनंद कुमार गणित में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। ये इस फिल्म में कहानी है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनका यह सपना अधूरा रह जाता है और उसी कहानी के ऊपर ये एक फिल्म है। बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी अल बलूसी पर ICC ने 7 साल का बैन लगाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओमान। ओमान के खिलाड़ी थे यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूसी। उन पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में खेलने पर 7 साल का बैन लगाया है, क्योंकि ICC ने इस खिलाड़ी पर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019 में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बात करें ICC की, तो ICC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एक भारतीय हैं और वो हैं शशांक मनोहर। ICC के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो भी भारतीय हैं, उनका नाम है मनु साहनी, और ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 फरवरी। तो देश भर में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M. अजीत कुमार, जबकि इसका मुख्यालय है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की कितनी सीटों पर होने वाले मतदान की घोषणा की है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 55। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में खाली होने वाली 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 6 मार्च को जारी होगी। 13 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी, जबकि मतदान 26 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होंगे और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे हो जाएगी। वर्तमान में भारत के जो राज्यसभा के उपसभापति हैं और सभापति हैं सॉरी वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वो हैं वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये भारत निर्वाचन आयोग, जैसे कि चुनाव आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव का संचालन करता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, नगर पालिकाओं और पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है और वो है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। ठीक है, तो पहले इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो एक IAS रैंक के अधिकारी होते हैं जिनकी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब बात करें वर्तमान में, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, सॉरी आपको आज का प्रश्न भी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विद द प्लेस नेम जहाँ पर भी किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।